छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने किसानों को परेशान कर रखा है। कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं केंद्रों में फैली अव्यवस्था ने किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धान का उठाव और बारदाना सप्लाई नहीं होने के कारण धान खरीदी कुछ दिनों से ठप्प पड़ी हुई है। प्रदेश के लगभग हर जिले में ऐसी ही खबर आ रही है। दुर्ग जिला सहकारी बैंक के नंदकंठी धान खरीदी केंद्र से खबर, जहाँ किसान स्वयं खुद धान की बोरी को हटाने पे मजबूर, तो बोरी आवंटन में देरी। गेट 12 से 1 बजे खुलने के बाद गाड़ी अंदर जाने के लिए ऐसी बहुत सारी असुविधा, समिति प्रबंधक के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन अब तक सोसाइटियों में बारदानों की उपलब्धता को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये तस्वीर जो हमर मितान ने आपको दिखाई है, प्रदेश के किसानों का हाल बयां करने के लिए काफी है। छत्तीसगढ़ी इन्हीं अन्नदाताओं की मेहनत से धान का कटोरा कहा जाता है। इनकी मेहनत ही साल भर सरकार के खजाने में महकती है, लेकिन अफसोस जिन्हें उचित दाम मिलना चाहिए उनके हिस्से में सिर्फ परेशानी आई है। कहाँ दिक्कत है? दिक्कत धान पे चला था ये भाई, अब यहाँ जगह नहीं है, किसान बोरा उठाते तब जगह खाली हुआ थे। अच्छा, तो परेशानी है। तो समिति प्रबंधक का की थे? एक बज के है अभी तक के, अभी गाड़ी अंदर नहीं हुए हैं। तो समिति प्रबंधक का की थे जब बोलता था? धान को उठाव नहीं हुआ है, इसी थे। तो आप जो यहाँ रखे लेबर, हाँ, किसान सब काम करके थे, किसान जगह बना के किसान है। तो शासन प्रशासन से आप क्या मांग चाहते हो? फ्री जगह चाहिए है, मेरे समय में गाड़ी अंदर होना चाहिए। अपन नाम बताओ। मेरा नाम मिथेश कश्यप है, मैं ग्राम बोड़े गाँव की था। और जब से चालू हुए है तब से यहाँ ऐसे है कि प्रबंधन के कोई शासन प्रशासन के नियमावली बहुत है, लेकिन धरातल में देखे पर नहीं मिला। आज देखा था आज किसान कितना परेशान है, सवेरे से आया के 5-5 बजे से आके लाइन लगे है। आज ऐसे है कि गाड़ी अभी पूरा अंदर नहीं हुए और यहाँ तक के उठाव नहीं हुए, यहाँ तक पूरा स्टेज नहीं रखा है। पूरा देखा था आप कैमरा के माध्यम से भी देख सकते हो क्या स्थिति यहाँ के, और यही स्थिति में सुधार अभी तक अभी अंतिम की ओर है, लेकिन आज तक सुधार नहीं हुए। कोई व्यवस्था नहीं है, प्रबंधन बहुत लूज है, प्रशासन पूरा लूज है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हो अभी किसान के दिक्कत के देखते हुए? आप दिक्कत ये है कि सुचारू रूप से कोई चीज़ व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, और समय अभी ये है कि अभी बरसात हो है, अभी सप्ताह भर हम ऐसे मतलब लेट लतीफी हो गए हैं, तो समय अवधि भी बढ़ाया जाए ताकि सही मतलब किसान ला सही प्रबंधन करने पर शासन प्रशासन के भी एक तरह सहयोग भी हुई और किसान के भी बहुत बड़े सहयोग हुई। यदि कोई बढ़ाई तो नहीं तो यही परेशानी बढ़ रही। आज ये स्थिति है सामान्य रूप से, और आने वाला में अगर कोई ही स्थिति रही बहुत ज़्यादा परेशानी सामना करना पड़ेगा। मैं संजय कुमार तामकार, किसान बोड़ेगा हूँ। मैं सुबह 5 बजे से यहाँ पर लाइन लगाया हूँ, खेत गेट खुला है 12-1 बजे। हाँ, अनाधिकारी आ रहे हैं, कोई देखने के निरीक्षण आ रहे हैं, ना कोई निगरानी समिति आ रहा है। ये सब पेपर में चल रहा है, सब देख रहे हैं, जितना भी चल रहा है नेतागिरी सब चल रहा है। नहीं, आप किसान परेशान है, प्रशासन मस्त है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे बोरा का ठिकाना है ना कहीं, रोज इस पर 1 बजे कांटा शुरू होता है। ये किसान की मांग है कि सुबह 9 बजे कांटा शुरू होना चाहिए, कम से कम 5 बजे तक हो जाए, समय रहते तक कांटा। ये रोज की बात है, आज की बात नहीं है, रोज की बात है ये। अच्छा। R9 भारत के लिए रवि सैन की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ से।